तो हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मैं सुनील कुमार थापा एक बार फिर स्वागत करूंगा अपने चैनल गार्डन मेरे घर का। तो आज का सवाल ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा फूल अच्छा लगा। तो ये है आपका ग्लेडियस, और ये है आपका गुलाब। और जो हमारे घर में जो गुलाब है वो एकदम गुच्छों में खिलता है। आप देखेंगे, देखिए इसका एक ही टहने में ये पूरा बंच है। और आप बोलेंगे कि बनाया होगा मैंने, तो आप देख सकते हैं दूसरा बंच वहाँ पर है, तीसरा वहाँ बनने लग रहा है। तो ये हमारे गुलाब क्या है, बंचेस में आते हैं। और आपको ये बताना है कि आपको ये इसमें से कौन सा फूल अच्छा लगा। अब आप बोलेंगे कि फूल तो सारे अच्छे होते हैं, मगर फिर भी मैं एक जानना चाहता हूँ कि लोगों की पसंद कैसी है। और ये सारे फूल जो है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किए हैं घर में। तो आपको ये बताना है कि आपको इनमें से जो फूल है वो कौन सा फूल अच्छा लगा आपको। और ये हमारे ब्रांडे में रखा है मैंने इन फूलों को। तो यहाँ पर है गुलदाउदी की कुछ किस्में, ये सफ़ेद, इसको कौन सा कलर बोलते हैं ये मेरे को पता नहीं है, थोड़ा हाँ कलर, थोड़ा कलर का थोड़ा कम ज्ञान है मुझे। और ये है आपका येलो, ये गुलदाउदी नहीं है। और ये है आपका मधुमालती बोलते हैं इसको। और पेड़ काफ़ी बड़ा था, अभी मैंने काट के इसको थोड़ा छोटा कर दिया, तो अभी इसके जो बंचेस है वो नीचे ही आ गए हैं। ये है आपका डेलिया, और आप देख सकते हैं डेलिया में कितनी भर के कली आ रखी है। ये मेरा मदर प्लांट है जिसकी मैं हर साल कटिंग, जिससे मैं हर साल कटिंग लेता हूँ और इसी के कटिंग में लगाता हूँ तकरीबन हर साल। और ये है आपके गेंदा, जो हमने ऑलरेडी मतलब वही है, कटिंग से ही लगाए हुए गेंदे हैं ये सारा। दिवाली के बाद भी देखिए कैसे अभी अपने फुल फ्लावरिंग में है ये, और अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे ये गमले तैयार किए हैं मैंने, अभी कुछ एक मैंने सीडिंग की है बीजों की, तो वो उगेंगे वो लगाऊंगा इसमें। और ये है फिलहाल अभी ये जो मैंने पिटोनिया लगाए हैं घर में ही बीज तैयार करके ट्रायल बेसिस पे लगाया है, फर्स्ट टाइम बीज ग्रो किया है मैंने। और ये देखिए अब इनकी फ्लावरिंग का टाइम आया है। और साथ में आप ये देख सकते हैं कि ये ईंटे की एक दीवार बनाकर मैंने इसमें ये टमाटर का पौध लगाया है। और आप देख सकते हैं पूरा टमाटर ही है ये। और टमाटर भी जो बीज मतलब टमाटर लेकर आया था मैं, उसमें कुछ एक टमाटर सड़ा हुआ निकला था, तो मैंने उसी की बीज को एक गमले में डाल दिया, जिसमें से इतने प्लांट निकले कि मेरे को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। और ये लगा रखा मैंने, छोटे में लगा दिए थे, अभी तो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और ये देखिए आप फिलहाल टमाटर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुच्छों में आ रहे हैं। और ये देखिए पूरा ये मैंने बकेट में लगाया है, पेंट के बकेट में, और पूरा भर के अभी टमाटर आना शुरू हो गया है इसमें। और इसे बोलते हैं मटर फूल, वैसे शायद मटर को क्या बोलते हैं, पैंसी कुछ ऐसे ही बोला जाता है, थोड़ा नाम का थोड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे को। और ये देखिए अभी ये कहाँ तक पहुँच चुका है, ऊपर तक पहुंच गया है ये। और ये आप वीडियो देख चुके हैं इसकी ऑलरेडी, ये मेरे गुलदाउदी है। और मैंने थोड़ा ट्राई करने की कोशिश की है कि एक ही पेड़ में दो कलर लाने की, तो यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा कहीं मैं सफल हुआ हूँ। और एक ही उसमें मैंने दो कलर के गुलदाउदी खिलाए हैं यहाँ पे, आप देखेंगे ये देखिए। और
और ये है आपका कलेजी कलर का गुलदाउदी जो अभी जस्ट खिलना शुरू हुआ है। तो चलिए आज आपको गुलदाउदी की किस्में भी दिखा देते हैं। और येलो ज़्यादा है मेरे पास, और ये है आपका क्या बोलते हैं इसको, मिनी गुलदाउदी, ये एक ही कलर में है। और ये देखिए ये कलेजी कलर के गुलदाउदी अब खिलने लग रहे हैं मेरे, और ये भी मिनी गुलदाउदी है। और ये देखिए ये कटिंग से बनाया हुआ हमारा डेलिया, कली आनी शुरू हुई है अभी इसमें। और ये देखिए ये कटिंग से, सारे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट है मेरे। और यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन है। और ये देखिए आप, ये सफ़ेद कलर में दो कलर की गुलदाउदी हो गई है, पेड़ एक ही है मगर ये क्या है कलर अपना चेंज कर रहा है लास्ट में। ये गुलदाउदी वाइट कलर का था मगर अभी इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये तकरीबन वाइट कलर के सारे गुलदाउदी ने अपना कलर चेंज करना शुरू किया है। तो ये देखिए कैसे भर भर के आए हैं। और ये सब ऐसे ही, अगर आप ऐसे ही गुच्छों में ऐसे ही फूल चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो गुलदाउदी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कि गुलदाउदी की रिपोर्टिंग। उसमें मैंने तकरीबन डिटेल बताया है कि इसको मैंने कैसे तैयार किया है। और ये इसका रिजल्ट तो अभी आना शुरू हुआ है मगर जो काम था मेरा वो मैंने जून से शुरू किया था, और अब उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। और सच में इतना मेहनत करके अगर आपका रिजल्ट आपको मिलता है तो मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए एक ही गमले में दो कलर की गुलदाउदी हो गई है यहाँ पे भी। और ये कुछ यहाँ पर हम लोग ने ये छोटे छोटे गमलों में कुछ एक प्लांट भी लगाए हुए हैं मैंने। अभी आगे बनेंगे, ये रिजल्ट कैसा रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये है बोंजाई, और ये मैंने कैसे बनाया है इसको, मैंने क्या करा इसको, मैंने गमले में ही लगाया था, बाद में मैंने इसको गमले से थोड़ा उखाड़ा ऊपर, और इसकी जो मेन रूट से वो काट के यहाँ नीचे पत्थर लगा दिया है। और अभी ये ग्रो करके इतना बड़ा हो चुका है। और तो मिलेंगे दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे। तब तो मिलेंगे ऐसी वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।